कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेस्ट है, 1.3, 1.7 या 2 टन वाली? चलो आज मैं बताता हूँ आपको कौन सी गाड़ी अपने लिए ज़्यादा बेस्ट रहती है। आएगी गाड़ी अच्छी कौन सी रहेगी, 1.3 FB या 1.7 या 2 टन वाली? ये देखो वही बात आ गई भाई लोगों। तो मेरे हिसाब से भाई लोगों मैं मेरी राय देता हूँ, मेरी पर्सनल 8 महीने का एक्सपीरियंस के अनुसार। देखो सबकी एक अलग अलग नॉलेज होती है यार कि कौन कौन सी गाड़ी पसंद करता है। हाँ तो भाइयों जय श्री राम, जय श्री महाकाल, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करूंगा मेरे सभी भाई एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे हमारी गाड़ी के बेसिक ज्ञान के ऊपर, बेसिक नॉलेज कि कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेस्ट है, 1.3, 1.7 या 2 टन वाली। चलो आज मैं बताता हूँ आपको कौन सी गाड़ी अपने लिए ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आज मैं आपको बिल्कुल खुल के डिटेल दूंगा कि हमारी इस गाड़ी के अंदर महिंद्रा बुलेरो पिकअप के अंदर कौन सी गाड़ी हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। तो देखो मेरे को हो गए 8 महीने इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए, 8 महीने का एक्सपीरियंस इस गाड़ी का मैं बताता हूँ। 8 महीने मेरे हिसाब से ये गाड़ी मेरे लिए बहुत अच्छी है। और आपको पता है अपनी गाड़ी है 1.3 CBC है ना, और 8 महीने के अंदर मेरे से क्या क्या नुकसान हो वो भी बता दूँ। 8 महीने के अंदर ये नुकसान हो गया, देखो जयपुर के अंदर यहाँ गाड़ी अड़ गई थी मेरे से, तो ये आगे का बम्पर थोड़ा डैमेज हो गया, यहाँ से थोड़ी सी अंदर डैमेज हो गया। उसके बाद साइड में से बात करूँ तो साइड की एकदम एवन कंडीशन है। बॉडी की बात करूँ तो बॉडी भी बिल्कुल सामने से फ्रंट से बिल्कुल है, ठीक है। ये जो मैंने पाइप चेंज कराए थे वीडियो आपने देख ली होगी, हाँ ऊपर के मैंने पाइप हल्के लगा दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं। पीछे की बात करूँ तो पीछे से कुछ इस प्रकार हालत हो चुकी है हमारी गाड़ी, क्योंकि ये चलती है आपको पता है लोहे के अंदर 60 टन, 60.5 टन वजन के अंदर, और नंबर प्लेट भी हमारी ख़राब हो चुकी है देख सकते हो आप। और साइड से बात करूँ तो इधर से भी ये जो कंपनी देती है नंबर प्लेट ये भी ख़राब हो चुकी है। और एक चीज़ और, ये जो हमारी गाड़ी है थोड़ा साइड दबा रही है, मतलब ड्राइवर साइड का टायर दबा रही है, ये देख लो आप, ये हल्का फुल्का टायर दबा रही थी, इसको भी सही कराना है। इसका टायर दबाने का कारण क्या है, इसका टायर दबाने का कारण ये है कि हमारी जो बॉडी है ये थोड़ी सी इधर आ चुकी है बाहर, आप देख सकते हो यहाँ से इधर कितना गैप है ना, 4 उंगल। और एक बार उधर से बता दूँ मैं आपको, इधर से बराबर है हमारी बॉडी। अभी आपको यकीन होता है, एक बार मैं आपको फ्रंट सामने से पूरा लुक दे दूँ, तो ये देखो सामने से आप देख सकते हो इधर का जो ये ऊपर का है बॉडी का, ऊपर का केबिन का ऊपर का ये वाला हिस्सा थोड़ा अंदर है, और इधर का देख सकते हो तो ये वाला हिस्सा थोड़ा बाहर है ना भाइयों। तो चलो अब शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो की, और अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी गाड़ी हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो काफ़ी भाइयों के कमेंट आए, रिक्वायरमेंट आई कि वैसे तो मैंने शुरुआती वीडियो जब मैं अपनी गाड़ी लाया था उस समय अपनी गाड़ी का पूरा रिव्यू दिया था मैंने कि मेरे हिसाब से कौन सी गाड़ी बेस्ट है, लेकिन फिर भी जो मेरे काफ़ी भाई लोग जो मेरे फैमिली के अंदर, यूट्यूब फैमिली के अंदर बाद में जुड़े भाईचारा हमारे जो नए आए कुछ भाई लोग, उनकी कमेंट आई कि भाई हमें बताओ कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेस्ट है। तो उन भाइयों के लिए मैं आज जवाब लेकर आया हूँ। तो भाइयों एक बार आप देख लो, वैसे हमारी वीडियो डाल रखी हमने, आप हमारी वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो हमारे चैनल के अंदर, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं आप देख लो इसको भी, है ना। तो चलो मैं बताता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ सभी भाइयों को, और आपको फिर बताता हूँ कि हमारे लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेस्ट है। चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ एक बार अंदर से भी लुक दे दो, तो अंदर का इंटीरियर भी बिल्कुल अच्छा, भी कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से भी व्यू बहुत प्यारा है। तो अब कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको कौन सा ज़्यादा किसके कमेंट आ रहे हैं। तो भाई देखो सबसे पहले हमारे एक भाई का कमेंट आया, हमने शॉर्ट वीडियो डाली थी उसके अंदर एक भाई का कमेंट आया कि भैया 60 टन से तो पीछे की हवा निकल जाएगी। भैया आपको यकीन नहीं होता, आप हमारा चैनल जाकर देख लेना, हम 60 टन ही वजन बढ़ते हैं। नाम तो मैं बताऊंगा नहीं किन भाइयों का क्या कमेंट, लेकिन इतना बताता हूँ क्या क्या कमेंट आ रहा है। उसके बाद में आया ये गाड़ी आपकी कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी, हमने देखा गाड़ी में कितनी कबाड़ियाँ बढ़वा रखी है भाई, और ये रिम कहाँ से मिलेगी? तो भाई ये रिम मैंने अजमेर से ली है, और कबाड़ियों की बात करूँ पत्तों की तो वो मैंने बढ़ा रखे 6 पत्ते, मतलब 7 पत्ते कंपनी देती है, हमने 6 बढ़ाए तो ऐसे करके 13 पत्ते मेरी गाड़ी में टोटल हैं। उसके बाद में बात करूँ जयपुर की गाड़ी का, आपको नंबर भेजो, मतलब भाई मेरा नंबर मांग रहे, ठीक है भाई वो बाद में देखेंगे। जो जो मेन मेन कमेंट है भाई लोगों को वो बताता हूँ मैं। और उसके बाद में एक भाई का फिर से कमेंट आया कि भैया हमें 2 टन वाली पिकअप में तो आप 10 टन लोड कर लोगे। भैया मुझे 2 टन वाली पिकअप का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को इसको पता है इस गाड़ी का CBC 1.3 का कि ये 60 टन लोड कर लेती है आराम से। अगर आपको यकीन हो तो आप मेरे साथ आना, आपको एक कमेंट करके बताना आप कि मेरे को प्रूफ के साथ दिखाओ, तो मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा ये 60 टन वजन, 60.5 टन वजन भी भर लेती है, कमेंट कर देना भाई लोगों। उसके बाद में एक भाई का कमेंट आया इतना वजन मत डाला करो भाई, क्या करें हमारा अजमेर के अंदर वजन डालते नहीं तो गाड़ी की लोडिंग नहीं मिलती है। उसके बाद में सुपर वीडियो ठीक है। उसके बाद में भाई का एक कमेंट आया कि गाड़ी चलाते समय, ड्राइव करते समय बेल्ट, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ठीक है भाई। उसके बाद में एक फिर कमेंट आया कि सब्जी में भरने के लिए कॉन्टेक्ट, तो भाई मैं खुद कभी कभार भरता हूँ सब्जी में, अधिकतर लोहे में चलता हूँ। उसके बाद में जो भाई लोग, एक फिर एक भाई का कमेंट आया कि गाड़ी अच्छी कौन सी रहेगी, 1.3
एफबी या 1.7 या 2 टन वाली, ये देखो वही बात आ गई भाई लोगों। तो मेरे हिसाब से भाई लोगों मैं मेरी राय देता हूँ, मेरी पर्सनल 8 महीने का एक्सपीरियंस के अनुसार। देखो सबकी एक अलग अलग नॉलेज होती है यार कि कौन कौन सी गाड़ी पसंद करता है, जो किसी को 2 टन वाली पास है, किसी को 1.7 अच्छी लगती है, लेकिन मेरे को 1.3 CVC अच्छी लगती है। CVC अच्छी इसलिए लगती है भाई, आप ये कंफर्टेबल गाड़ी है। 1.3 और 1.7 में फ़र्क इतना आता है कि यार उसका बोनेट थोड़ा आगे से छोटा आता है, इंजन सेम आता है, सब कुछ सेम आता है, लेकिन इसकी जो बात है ना यार वो एक अलग ही बात है, हकीकत बात है। इसका एक्सपीरियंस है सादा स्टेयरिंग में भले, लेकिन एक अलग एक्सपीरियंस है। इसके अंदर आप वजन डालो 60 टन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से चलेगी। उसके बाद बात करूँ भाई लोगों में भाई पीछे 825 के रिम है क्या भाई, 825 के नहीं 750-16 के रिम है, पीछे वाले टायर जो अपने हैं वो 750-16 के हैं। उसके बाद में जो मेन मेन कमेंट है भाई लोगों, किसी भाई का कमेंट आया 4 टन से ज़्यादा वजन मत बनना, लेकिन भाई क्या करें, भर सकता हूँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। और फिर वो ज़्यादा वजन मत भरा करो, ज़्यादा वजन मत भरा करो, ज़्यादा वजन मत भरा करो, ज़्यादा वजन। तो यही बात है। अब मैं आपको खुल के बता दूं भाई, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैंने कमेंट पढ़ लिया, आपको कमेंट के अंदर मैं थंबनेल के अंदर शो कर दूंगा किस किस का क्या क्या मेन जो कमेंट होगा वो शो कर दूंगा। अब मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मेरे हिसाब से तो मेरे को ये गाड़ी अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि यार ये बहुत कंफर्टेबल। हाँ तो भाई 1.3 जो CVC गाड़ी है ना, इसकी एक अलग ही परफॉर्मेंस, मतलब यार एक अलग ही रुतबा इस गाड़ी का मेरी नज़र के अंदर, एक अलग ही, आप इसको मैं यकीन मानो 60 टन वजन भर के इसका टायर और इसके पत्ते बढ़ा के आप इसको कहीं से भी किसी भी कोने के अंदर ले जाओ, ये जहाँ बोलोगे ना वहाँ चली जाएगी, जाने से बिल्कुल मना नहीं करेगी। 1.2 की मेरे को पता नहीं, 1.7 का मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं इस गाड़ी की तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसके मुकाबले मतलब कुछ भी नहीं होगा। मैंने हकीकत बात है इस गाड़ी का एक्सपीरियंस किया, मैंने 8 महीने चलाई, इस कदर चलाई, इसके अंदर इतना वजन भरा, इतना कुछ करा, ऐसे ऐसे रास्तों से निकाली। हकीकत बात अगर आपकी 2 होती या 7 होती ना, तो एक बार तो वो भी है ना वहाँ मतलब हिचक जाती गाड़ी का इंजन भी ना, एक बार तो हिचक जाता, लेकिन इसकी जो बात है ना वो एक अलग ही है। तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए बेस्ट रहेगी 1.3 CVC गाड़ी लो भाइयों, आप किसी भी अंदर किसी भी चीज़ के अंदर चलाओ, ये सब में आपके लिए पास है, एकदम परफेक्ट गाड़ी है। तो मेरा यकीन मानना, हकीकत बात है एक नंबर गाड़ी है। अब आपको मैं एक बार फिर से इस गाड़ी का पूरा व्यू दे देता हूँ इधर से, देखो ये कुछ इस प्रकार अपनी गाड़ी है ना, हकीकत बात है एक नंबर चीज़ है। ये जो ब्रांड है ना इस लोगों का, इस चीज़ का मैं बहुत बड़ा दीवाना हो गया। ये 1.3 T CVC ये चीज़ बहुत ब्रांडेड चीज़ है भाई लोगों। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको ये ही गाड़ी लेनी चाहिए। बाकी यार सबकी एक अलग अलग चॉइस है, वो आपके ऊपर निर्भर करती है। बाकी अगर आपके छोटे भाई का अगर आप अनुभव एक्सपीरियंस मांगना चाहते हो तो मैंने दे दिया। 1.3 सबसे बेस्ट गाड़ी है, सबसे बेस्ट गाड़ी है भाइयों, यकीन मानना सबसे बेस्ट है। बाकी आपकी एक अलग बात, आपकी अलग चॉइस है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के साथ। बहुत कुछ करते रहते हैं हमारी गाड़ी के साथ, बहुत कुछ अलग अलग। अब जैसे कि हम काम कराने वाले टायरों का, पत्तों का, बॉडी का, काफ़ी तो हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो आपको उसके लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी यूट्यूब फैमिली को ज़्यादा जल्दी से जल्दी बहुत बड़ी बनानी है, और भाई लोगों आपका प्यार दिखाना, ठीक है। तो आज ना जय हिंद भारत, जय श्री राम, बाय।